जय श्याराम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कल 16 अक्टूबर 2021 को पापांकुशा एकादशी का पावन व्रत है, उसी के बारे में विधिवत निवेदन करने जा रहा हूँ। अवश्य सुनिएगा, क्योंकि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, अथवा 1000 सूर्य यज्ञ का करने के पश्चात जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो उतना बड़ा पुण्य हमको छोटे से इस पापांकुशा एकादशी व्रत करने से प्राप्त बड़े ही आराम से हो जाएगा। यही नहीं, कितने बड़े हम पापी क्यों ना हो, तो इस व्रत के प्रभाव से हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर उसके पहले आप सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से हर तरफ से आप लोगों का जय हो, विजय हो, मैं तो अवश्य चाहूंगा। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन पर विजय हो, वहां नहीं हो पाता है, हमारी बुराइयों पर विजय हो, जो भी हमें, क्योंकि कैदन तोरा मन दर्पण कहलाए, हमसे ज्यादा हमको कोई और जानने वाला नहीं है। स्वयं हमें सोचना चाहिए कि मुझसे क्या गलतियां होती हैं, क्या अपराध होता है, तो वो भी जो बुराइयां हैं भगवान की कृपा से मिट जाए, तभी पूरा लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं एकादशी के व्रत के बारे में। जैसे कि हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं, वैसे ही ये पापांकुशा एकादशी करना है। इसका नियम तो आज से प्रारंभ हो गया है कि बैगन, लहसुन, प्याज, कुंदरू और लहसुन प्याज कुंदरू बैगन मसूर की दाल, ये सब प्रयोग आज से ही नहीं करना है। वीडियो लेट से दे रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। दे पा रहा हूँ भगवान की कृपा से, यही बड़ी बात है। और कल हमें प्रातः उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, अथवा ठीक है जब भी उठे, आसपास कोई पवित्र नदी है, तीर्थ है, तो वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही स्नान के पहले जो मंजन की व्यवस्था आती है, ये जो नॉर्मल मंजन हम लोग करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कम से कम ब्रश कर सकते हैं, पर फास्ट वाला ब्रश अगर आपने अलग रखा है, जिह्वा अलग रखा है, तो उसे कर सकते हैं बिना मंजन लगाए। और अभी सोने के पहले ही गर्म पानी से, अथवा वैसे भी प्रॉपर आज अपने पारण कर लिया है। मेरा तो जय जय सियाराम बहुत मामला गड़बड़ होता है। कहावत है हमारी अवधि में कि पंडित सबको साइड बतावें, अपना चले भद्रा में। इसीलिए तो सारे ब्राह्मण लोग जो है वो लाभ नहीं प्राप्त करते हैं जो उनके यजमान करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण तो 2-4-5-10,000-20,000 इससे ज्यादा कौन जल्दी देता है, वो लेकर बेचारा उनके लिए पूरा नवरात्रि तप करता है और अपना इसलिए वैसे जय जय सियाराम रह जाता है। तो हम लोग भी अच्छे मुहूर्त में यजमानों के लिए लगे रहते हैं, जब सबसे छुट्टी पाते हैं तो अपने राम जी की सेवा करते हैं। तो आज से नहीं खाना है, तो कल हमें, जैसा कि आज जिन लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने पारण कर लिया होगा मेरे राम जी को, परिवार को छोड़ करके, तो आज से ही रात्रि में सोने के पहले हमें मंजन कर लेना है और सुबह उठने के बाद नहीं करना है। उसके बाद स्नान में भी जो शैंपू है और भी कृत्रिम पदार्थ की चीजें हैं, वो सब प्रयोग नहीं करना है। जो माताएं बहने हैं, लिपस्टिक है और नेल पॉलिश है, सबसे हमें बचना चाहिए। स्प्रे है, परफ्यूम है, सबसे बचना चाहिए। जो सेविंग वगैरह करते हैं, आफ्टर सेव वगैरह, सब नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उनको सेविंग भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उत्तम तो यह है कि हम निर्जला रहे, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-3-4-5 जल पी के रह ले, भैया नहीं चल रहा है तो 2 जो दूध पी ले, जिनका सिर दर्द वगैरह होता है चाय पी ले, इससे भी नहीं बर्दाश्त है तो भैया फलाहार खा लीजिए, फल धन आहार। फल में भी बहुत कमियां आ गई हैं, फल को शुद्धता से कैसे खाएं, ये पूरी जानकारी के इस लिंक को आप देखिएगा, इसमें बताने का मैंने प्रयत्न किया है। तो फल हमें लेना चाहिए, इतना भी नहीं हो सकता है तो चलो भैया एक समय कुछ भी ले लिए, पर राजगीरे का आटा है, चिन्नी का चावल है, कुटू का आटा है और साबुदाना, जो जय जय सियाराम ऐसी पाले पड़ी हुई है, ये सब बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, पर उसके पहले दिन में हमें विष्णु भगवान जी का विधिवत पूजा करना चाहिए। आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने भगवान के रोज से ज्यादा श्रृंगार करना चाहिए, रोज से ज्यादा तुलसी दल इत्यादि जो है द्वारसाक्षर मंत्र जपते हुए भगवान को अर्पण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। आप सोचिए, ये नवरात्रि पूजन करने में पसीने आ गए 9 में, तो जो यज्ञ का फल मिलेगा, अश्वमेध यज्ञ जो कम से कम जो है वर्ष भर का अनुष्ठान होता था, उससे लंबे जाएंगे तो 12 वर्ष तक ये अनुष्ठान चलता था, वो आपको जो है, और भी एक अश्वमेध यज्ञ, हजारों अश्वमेध का करने के जैसा पुण्य हमको आपको प्राप्त होगा, उन सभी को प्राप्त होगा जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस पापांकुशा एकादशी के व्रत को करेंगे। और मान लिया हमारे कर्मों के अनुसार फल कम ज्यादा मिले, लेकिन हमें पापों से मुक्ति मिलती है। पाप बहुत प्रकार के होते हैं,
उसका चर्चा करना तो पूरा 2 घंटे का वीडियो ही हो जाएगा। पर एक बहन ने इंस्टा पर मुझसे पूछा था और मुझे याद नहीं थी एकादशी व्रत के बारे में, तो उनको मैंने ऋषि पंचमी का व्रत के बताया कि उनके समय अशुभ जी उनको हो गया था, पता नहीं था, बाद में पता चला। तो ये पापांकुशा एकादशी को व्रत कर ले, किसी का हमने कुछ हड़प लिया है तो ये व्रत कर ले, लेकिन वापस कर दे उसके बाद में। तो इस प्रकार से कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, इस पापांकुशा एकादशी के व्रत से निर्मल हो जाते हैं, पर इसके बाद पाप मत कीजिएगा, नहीं ये भी साथ में जुड़ जाएगा, जो क्लीन हो गया है उससे आप छूटेंगे नहीं, फिर ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप व्रत करें, लेकिन कम से कम वो पाप जिससे आप मुक्ति चाहते हैं दोबारा मत कीजिएगा। और इसका कथा बहुत ही दिव्य है, बहुत ही कह सकते हैं प्रेरणास्पद कथा है, जो हम सभी लोग करते हैं उस तरह का पाप। आजकल आप देखते हैं रोड चलते हुए, अभी कल आज नवरात्रि जैसे संपन्न हुई है, कल तो एकादशी लोग व्रत रहेंगे और परसों देखिए या सभी लोग तो व्रत रहते नहीं, लाइन लगा करके वहां बकरियां को किया जाता है, मुर्गों को किया जाता है, लोग लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, मतलब 100-150 लोग, मतलब तरस आती है। ऐसे ही एक विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का पहेलिया था, तमाम जीव जंतुओं की हत्या करता था, और जब उसका मृत्यु समय आया तो समझिए यम के दूतों ने उसको कहा, भैया कि 2 दिन में तुम्हारा जय जय सियाराम होने वाला है, तुम चले जाओगे, कुछ करना है तो कर लो, क्योंकि 1% भी पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं है। वो घबरा गया, जो है कितना बड़ा हिंसक जीव, शेर भी जब मरने वाला होता है तो उसको भी भय लगता है जब दूसरे उससे मजबूत शेर उसको घेर लेते हैं, ऐसे वो कितना बड़ा पापी था, पर जब उसको लगा कि हमारा टिकट कटने वाला, अभी घबरा गया। और बाद में जो है ढूंढते ढूंढते अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया, उनसे प्रार्थना किया, प्रणाम किया कि जीवन में कोई भी सत्कर्म हमने नहीं किया है, हमें पापों से मुक्ति कैसे मिले। ऋषि दयालु थे, उन्होंने कहा कल ही तो आने वाला जो है पापांकुशा एकादशी का व्रत है, वो कर लो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसने पूरे नियम से विधिवत जो है एकादशी का व्रत किया और पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए, हम आप जो उतने बड़े पापी नहीं है कि दिन रात जो है जीव जंतुओं की हत्या करें, तो जो है हमारा कितना कल्याण होगा। और माल्या पापी भी है जो कुछ ना कुछ सत्कर्म भी भगवान करा ही लेते हैं, तो इसलिए इस पावन एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। एक बात और मेरे मन में आ रहा है, बहुत दिन हो गया अपने लोगों से मिला नहीं, बातचीत नहीं किया, तो ऐसे ही जनरल जो भी प्रश्न हो उनका उत्तर देने के लिए कल रात में 9 बजे लाइव जो आऊंगा अपना यूट्यूब पर, 9:30 बजे जो इंस्टा पर आऊंगा, कहीं कुछ शेड्यूल आगे पीछे हुआ तो उसका मैं मैसेज अपने चैनल पे डाल दूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन लोगों ने व्रत किया अथवा नहीं किया, व्रत करने वालों को सहयोग किया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सियाराम।